दोस्तों आज की कहानी है मुझसे ससुराल के हर काम नहीं होंगे। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अवनी सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतर रही थी। कई दिनों से लिफ्ट खराब चल रही थी। घर पर मेहमान आने वाले थे। काफी सारी चीजें पकानी बसी थी। सुबह सुबह काफी कुछ निपटा के आई थी। अवनी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत एक आधुनिक लड़की थी। अवनी घर पहुंचती हैं बिना कपड़े बदले। वह सबके लिए चाय बनाती हैं और रसोई में बसे काम निपटाने लगती हैं और खाना बन जाने पर अपने ऑफिस का बसा काम निपटाती हैं। मेहमान आने पर एक आम लड़की के समान सारे मेहमानों की आव भगत अच्छे से करती हैं। अपनी सेवा से सभी को खुश रखने का प्रयास करती हैं पर उसका पति अपनी सुविधा अनुसार आधुनिक और परंपरागत तौर तरीकों को बदलता रहता है। जब उसका पल्लू सीधा हो रहा हो तब माँ बाप के पक्ष में बोलता है और जब बात उस तक पहुंच जाती है तो वह आधुनिक तौर तरीकों को तरजीह देने लगता है। अवनी ये सब समझते हुए भी अपनी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं सहती थी, इसलिए जी तोड़ मेहनत कर सब कुछ व्यवस्थित रखती है। अपनी सारे परिवार को खुश करने के जुगत में लगी रहती थी, मगर ये कभी नहीं हो सकता कि एक साथ सारे खुश हो। वो कहते हैं ना, आप किसी के लिए कितना ही कर दे वह कभी खुश नहीं होता, बल्कि केवल एक गलती का इंतजार करता ही रहता है। और वह दिन आ भी गया। ससुर जी की डांट निकाली जानी थी। सभी फिर अवनी से उम्मीद करने लगे, मगर ऑफिस में जरूरी मीटिंग के कारण वह इस बार उनके अपेक्षाओं में खरी नहीं उतर पाई। ननद का फेयरवेल मेकअप नहीं कर पाई क्योंकि उसे भी एक पार्टी में जाना था। ऐसे ही तनाव बढ़ते जा रहे थे। सभी उसे इस्तेमाल ना कर पाने की खीज अपने तरीके से उस पर उतार रहे थे। बस फिर क्या था, उसके अब तक के किए सारे काम भुला दिए गए। वह नकारा स्वार्थी घमंडी साबित कर दी गई। अवनी संभल ही नहीं पाई और पूरे परिवार के सारे अरमान पूरे करने वाली आज एकदम से दूध में मक्खी के समान हटा दी गई। आस भरी निगाहों से पति की ओर देखा पर कोई फायदा नहीं। वह भी वही कह रहे थे जो बाकी कह रहे थे। इतनी सर्वगुण संपन्न होकर भी घर मैं कोई उसको वह इज्जत नहीं देता था जिसकी वह हकदार थी। क्या केवल बहू होना ही इस बात के लिए परिवार को हकदार बना देता है कि वह उसकी कभी भी बेइज्जती कर सके, उसके माता पिता का अपमान कर सके? ये दुर्व्यवहार केवल अनपढ़ों तक सीमित है या बढ़कर के आज हाईली क्वालिफाइड लड़कियों तक भी पहुंच चुका है? अपने जितने भी अरमान हैं उन्हें पूरा करने के लिए केवल बहू का इंतजार किया जाता है और यदि वह मेजरमेंट में ठीक नहीं पड़ती तो उसको जब चाहे तब अपमानित किया जा सकता है। अब अवनी ने सबको खुश करने जी तोड़ मेहनत की ताकि पिछली गलती माफ हो, पर नतीजा सिपर ही रहता। धीरे धीरे अवनी की आंखों से पर्दा हटने लगा। उसने महसूस किया जितना वो झुक रही है सबकी उम्मीदें बढ़ती ही जा रही हैं। एक को खुश करती तो दूसरा नाराज हो जाता। वह दिन पर दिन घुलने लगी। हर मुमकिन
कोशिश कर रही थी। यह ऑफिस में भी पकड़ कमजोर होती जा रही थी, सेहत भी गिरती जा रही थी। बॉस ने उसे बुलाया और कड़े शब्दों में कहा, परफॉर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड लगता है किसी और को जाने वाला है, तुम तो भूल ही जाओ। पता नहीं ये लड़कियां प्राथमिकताएं तय क्यों नहीं कर पाती। अन मनी सी अपनी लंच टाइम में एक पत्रिका पलट रही थी। एक जगह लिखा था, कोई भी एक वक्त में सभी को खुश नहीं रख सकता, इससे बेहतर है नम्रता से अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर संभव तरह से सबकी मदद करने का प्रयास करें, पर केवल किसी को खुश रखने के लिए खुद की बलि ना दे। उसने फैसला किया, जितना उसका सामर्थ्य होगा उतना सहयोग करेगी, मर्यादित व्यवहार करेगी, मगर परिवार को खुश रखने की दृष्टि से अब कुछ नहीं करेगी। सबको अभी समझने का टाइम आ चुका है कि अपने अपने उत्तरदायित्व वैसे ही संभालना जैसे उसके आने से पहले संभाल जाते थे। अवनी ने वैसा ही किया। शुरुआत में सभी ने बहुत दुर्व्यवहार किया, मगर धीरे धीरे सबको आदत पड़ गई खुद का काम खुद करने की। अवनी ने ना केवल अपने ऑफिस में बेस्ट फॉर्मर का अवार्ड जीता, साथ में ससुराल के सारे उत्तरदायित्व मुस्कुराते हुए निभाए और अपने पिता के सेवा निवृत्ति के बाद उनके आजीविका के लिए घर की छत पर गर्ल्स हॉस्टल के लिए अपनी कमाई पूंजी से कमरे बनवा दिए। आधुनिकता कपड़ों की नई विचारों की होनी चाहिए, एक स्वतंत्र विचार आत्मनिर्भर अवनी ने नए आयाम प्रदान किए। सभी पढ़ी लिखी बहू की उम्मीद करते हैं, कमाऊ बहू ढूंढते हैं, मगर कर्तव्य वह गांव की अनपढ़ बहू जैसे निभाए। दिमागदार हो पर अधिकार की जानकारी ना हो, ऐसे मानसिकता को खत्म करने का समय आ चुका है। कितनी डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर लड़कियां बहू बनने के बाद अपने अधिकारों के लिए समझौता करते रहती हैं, पर अब और नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।